Hello and good morning class. In last lecture we have studied about the geometric design of the highway and geometric design of the highway में हम लोगों ने camber cross sections के बारे में पढ़ा हुआ है. cross section में हमने पहले जो cross sectional element में pavement का characteristic देखा था और pavement characteristic से एक बार हम लोग उसको जल्दी से revision कर लेते हैं, then after हम उसके आगे बढ़ेंगे. तो जो हमारा geometric design था, geometric design में हमें पांच factors को ध्यान में रखना है. first one is the cross section elements, second is side distance, third is horizontal alignment, fourth one is vertical alignment and the last one is the intersections, right? तो हम लोगों ने जो cross sectional element है उसमें pavement के characteristic के बारे में पढ़ा था कि pavement का characteristic हमारा कैसा होना चाहिए. तो पेमेंट के कैरेक्टरिस्टिक में हमें तीन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है. पहला तो है हमारा फ्रिक्शन का, कि फ्रिक्शन हमारा दो तरीके का होता है, लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडल. वैल्यूज़ हमको याद रखनी है कि जो हमारी लेटरल फ्रिक्शन होती है उनकी वैल्यू 0.15 होती है और लॉन्गिट्यूडल फ्रिक्शन की वैल्यू 0.35 से लेके 0.40 के बीच में लाई कर सकती है. हाउएवर हम लोग वैल्यू जो है जब हम डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो हम वैल्यू 0.35 लेते हैं, ठीक है. सेकेंड वन जो है हमारा पेमेंट को कैरेक्टरिस्टिक को लेके वो है हमारा स्किड एंड स्लिप का. कब हमारी स्किडिंग की सिचुएशन आती है, कब हमारी स्लिपिंग की सिचुएशन आती है. तो स्किडिंग जो होता है, अगर लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट जो होता है, जैसे हमने आपको बताया भी था कि ये हमारा ये लॉन्गिट्यूडनल, ये हमारा जैसे मान लीजिए व्हील है और ये व्हील जो है जब वो रोटेट करता है तो वो हमारा रोटेशनल मोमेंट हो जाता है, ठीक है. और उसके साथ ही जब आगे बढ़ता है ये व्हील, जब हम अपने व्हीकल से एक सर्टेन स्पीड से जाते हैं तो जो ये हमारा व्हील है वो आगे की तरफ बढ़ता है, वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट हो जाता है. तो ऐसी कब सिचुएशन आती है कि हमको स्किडिंग या स्लिपिंग की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है. तो जैसे मान लीजिए कि कई बार हमें ऐसा होता है कि हम जो है सपोज़ कभी ओवरटेक करने के लिए अगर हम अपने व्हीकल की स्पीड को बढ़ाते हैं तो हमारा जो एक्सेलरेशन उस समय स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है और किसी वजह से क्या होता है, हमारी गाड़ी जो है वो फिसल जाती है. जब उसकी स्किडिंग होती है तो हमारी गाड़ी जो है वो उसका रोटेशनल मोमेंट जो होता है वो स्टॉप हो जाता है और जो गाड़ी फिसल के आगे चली जाती है और जो गिर जाती है तो वो मतलब रोटेशनल वाइज वो जो हमारा मोमेंट होता है वो रोटेशन वाइज जो है वो बंद हो जाता है और लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट हो जाता है, तो वो कहलाती है हमारी स्केटिंग. और स्लिपिंग की सिचुएशन क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि हम कई बार एक होता है कि सपोज़ अगर हमारी गाड़ी किसी गड्ढे में फंस गई है या फिर किसी मड में ऐसे फंस जाती है तो हम वहाँ पर एक्सलेटर स्पीड बढ़ाते हैं, एक्सलेटर लेते हैं, लेकिन हमारी गाड़ी जो है वो आगे नहीं बढ़ती. हाउएवर वहीं पर जो हमारी व्हील है वो व्हील वहीं उसी पोजीशन पे रोटेट करता रहता है लेकिन वो आगे लॉन्गिट्यूडनली बढ़ नहीं पाता, यानी वहाँ पे रोटेशनल मोमेंट हो रहा है लेकिन लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट जो है वो स्टॉप है या फिर वो कम है रोटेशन के कंपैरिजन में. वो सिचुएशन हमारी क्या कहलाती है, स्लिपिंग की सिचुएशन, राइट. तो थर्ड वन कैरेक्टरिस्टिक है हमारी, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक. तो लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक में हमने आप लोगों को बताया कि दो तरीके की पेमेंट होती है, एक हमारी बिटुमेन वाली रोड होती है और एक हमारी सीमेंटियस रोड होती है, जो सीसी रोड होती है. तो जो बिटुमेन वाली रोड होती है, क्योंकि बिटुमेन का कलर ब्लैक होता है इसलिए ये हमारी ब्लैक टॉप पेमेंट की कलर की रोड होती है, और जो सीमेंट वाला होता है वो हमारी रोड जो होती है वो वाइट पेमेंट कहते हैं उसको, या फिर हम लोग बोलते हैं ग्रेइश पेमेंट, वाइट या फिर ग्रेइश बोलते हैं. अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए दिन और रात दो फिनोमिना होती है हमारी, एक डे की होती है और एक नाइट की होती है. तो अगर हमारा ब्लैक टॉप पेमेंट है तो ब्लैक टॉप पेमेंट पे होता क्या है कि हम वाइट स्ट्रिपिंग करते हैं दोनों साइड में. आप लोगों ने देखा होगा कि वाइट स्ट्रिपिंग करते हैं जो हमारे एम्बैंकमेंट्स होते हैं रोड के, जो किनारे होते हैं एजेस पे एक कंटिन्यूस वाइट जो होती है स्ट्रिपिंग होती है, और बीच में सेंटर लाइन पे एक डिसकंटिन्यूस हमारी स्ट्रिपिंग होती है. तो ये हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो होता क्या कि हमारी जो ब्लैक टॉप पेमेंट होती है यानी जो बिटुमिनस रोड होती है उसका, क्योंकि बिटुमिन का कलर ब्लैक होता है तो वो हमारी जो रोड कहलाती है वो ब्लैक टॉप पेमेंट रोड कहलाती है. तो उसकी जो लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है बिटुमिन की, तो ड्यूरिंग डे तो वो बहुत अच्छा होता है, सनलाइट जब हमारी ब्लैक टॉप पेमेंट पड़ती है तो हमें हमारी विजिबिलिटी अच्छी होती है. लेकिन अगर यही चीज़ हम रात में देखें, रात के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रात में क्या होता है कि जो हमारा ब्लैक एब्जॉर्बिंग होता है और भी ज़्यादा डार्क हो जाता है, तो इस वजह से हम जो है वो पेमेंट को सही से देख मतलब हमको विजिबिलिटी जो होती है विजिबिलिटी इशू आती है हमको, ठीक है. तो ऐसे में क्या करते हैं कि वो ब्लैक टॉप पेमेंट पे हम लोग वाइट स्ट्रिपिंग करते हैं साइड में, और वो वाइट स्ट्रिपिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमको एम्बैंकमेंट का पता चलता रहे कि एम्बैंकमेंट हमारा रोड का कहाँ है. ऐसा ना हो कि कोई व्हीकल जो है हमको दिखे ना, और विजिबिलिटी के इशू की वजह से वो गाड़ी जो है वो आपकी एम्बैंकमेंट से दूर चली जाए, ठीक है.
पेमेंट से नीचे चली जाए, ठीक है। तो ये इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर एम्बैंकमेंट को दिखाने के लिए हम लोग वाइट स्ट्रिपिंग करते हैं। और जो ये हमारा बीच में डिसकंटिन्यूस टाइप का एक वाइट स्ट्रिपिंग होता है, ये हमारे लेन के चेंजेस को दिखाता है कि हमारा लेन जो है वो है कि नहीं है, ठीक है। मतलब लेन है तो हम वो लेन के डिवीज़न को दिखाता है बेसिकली। तो ये तो हो गई हमारी ब्लैक टॉप पेमेंट की बात। अब आ जाते हैं हम वाइट टाइप पेमेंट पे। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो हमारी ब्लैक टॉप पेमेंट होती है उसमें कोई ग्लेयरिंग इफेक्ट नहीं होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि ब्लैक टॉप पेमेंट है, जो टॉप उसका ब्लैक है, जैसे कि बिटुमिनस रोड, तो उसमें कोई चमक नहीं होती है कि वो चमक हमारी आंखों पे आके ग्लेयरिंग नहीं देता है। तो चमक आने की वजह से आंखों में हमको जो विजिबिलिटी का इशू हो जाता है वो चीज़ हमें ब्लैक टॉप पेमेंट में देखने को नहीं मिलती है। जबकि होता क्या है, जो हमारी वाइट रोड होती है यानी कि जो सीमेंटियस रोड होती है, तो सीमेंटियस रोड जो होती है वो देखने में तो वो उसका वाइट सर्फेस होता है या फिर ग्रेस टाइप का सर्फेस होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो लाइटर सर्फेस होता है विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब ड्यूरिंग डे टाइम, अब जो हमारी ब्लैक टॉप पेमेंट होती है उसमें दिन में कोई इशू नहीं होता, जो इशू होते हैं वो रात में होते हैं, ठीक है, नाइट में। और जो हमारा सीमेंटियस रोड होता है उसमें दिन में इशू होता है, क्योंकि जब सीमेंटियस हमारी, क्योंकि वाइट पेमेंट होती है ग्रेस टाइप की होती है, और जब उस पर सनलाइट पड़ता है तो सनलाइट होने की वजह से वो रिफ्लेक्ट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेयर। तो ये जो ग्लेयरिंग इफेक्ट आइस पे आता है ड्राइवर के, तो वो मतलब एक तरीके से इल्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये ग्लेयरिंग इफेक्ट जो है हमें वाइट टॉप पेमेंट पे देखने को मिलती है ड्यूरिंग डे। हाँ, लेकिन ड्यूरिंग नाइट हम ये कह सकते हैं कि विजिबिलिटी कोई इशू नहीं होता है। और नाइट के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो सीमेंटियस रोड होता है वो परफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक की। बाकी हम लोगों ने पेमेंट अनइवननेस को देखा था कि अगर हमारी पेमेंट जो है अनइवन टाइप की है तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे। तो एक डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं बम्प इंटीग्रेटर। और अनइवननेस तो वैसे हर रोड में अनइवननेस है, वो हमारी बन भी जाती है, तो बिल्कुल फ्लैट नहीं होती, थोड़ी बहुत वो उबड़ खाबड़ होती है। तो वो हम कैसे पता करेंगे कि कितना अलावेबल है और कितना नहीं है। तो गुड पेमेंट के लिए हमने अंडुलेशन को एक मेज़र ये किया हुआ है कि 1 किलोमीटर की लेंथ में, ठीक है, वो 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये कुमुलेटिव वैल्यू है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि किसी 1 किलोमीटर में एक ही जगह पर 150 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए। हाँ, ये कह सकते हैं कि पूरे 1 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच में टोटल वैल्यू जो है, कुमुलेटिव वैल्यू जो है, वो 150 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, देन ये तो हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई क्रॉस सेक्शन में। क्रॉस सेक्शन में ही हमने अनदर जो कैरेक्टरिस्टिक देखी थी कैम्बर के बारे में, और कैम्बर हमने आपको बताया था 3 तरीके का होता है, स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक एंड आपका हो गया कंपोजिट कैम्बर, ठीक है। ये कैम्बर की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। और बाकी हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में कैम्बर एक्सेसिव देने से क्या फ़ायदे क्या नुकसान है कैम्बर को देने से, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। रोड मार्जिन के बारे में भी हमने जो है पढ़ रखा था कि कौन कौन सी हमारी रोड मार्जिन होती हैं, लाइक साइकिल ट्रैक, फुटपाथ, गार्ड रेल, ले बाइज एंड ड्राइववेज, ठीक है। ये सब हमारी रोड मार्जिन्स के अंडर में आती हैं, ठीक। अब थोड़ा सा हम इसमें और जो अनदर फैक्टर है क्रॉस सेक्शन में देख लेते हैं एक बार। तो अनदर फैक्टर शोल्डर, शोल्डर जो है, हालांकि मैंने शोल्डर के बारे में भी आप लोगों को एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे ही दी है कि शोल्डर जो है वो हम रोड लेंथ, जैसे मान लीजिए ये हमारी रोड है तो रोड की ये लेंथ हो गई आपकी, तो इसी रोड लेंथ के अलॉन्ग ही जो है हम शोल्डर प्रोवाइड करते हैं, यही हमारा शोल्डर होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो शोल्डर का कलर होता है वो पेमेंट के कलर से डिफरेंट होता है, और ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा रोडवे है, अगर रोडवे के ही कलर का अगर हम शोल्डर प्रोवाइड करेंगे तो होगा ये कि ये जो हमारा रोडवे का कलर होगा और जो शोल्डर का कलर होगा अगर सेम होगा तो जो पब्लिक यूज़ कर रही है उसको ये चीज़ डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगी कि कौन सा हमारा पेमेंट है कौन सा शोल्डर है, ठीक है। और शोल्डर जो होता है वो हम एक तरीके से एक ऐसा लेन बनाते हैं जो इमरजेंसी पर्पज़ के लिए होता है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं शोल्डर के कलर को पेमेंट के कलर से डिफरेंट रखते हैं, फर्स्ट थिंग। अनदर थिंग जो है हमारा कि शोल्डर जो होता है वो हमारा थोड़ा सा पेमेंट के कंपैरिजन में रफ़र होता है, ठीक है। और वो इसलिए रफ बनाते हैं ताकि पीपल जो है वो उसको रेगुलर ट्रैफिक लेन की तरह यूज़ ना करें और वो वहाँ पर ड्राइव ना करें, उनको इसलिए हम डिस्करेज करते हैं, क्योंकि एक जो नॉर्मल टेंडेंसी होती है ड्राइवर की या फिर जो भी पैसेंजर है उनकी भी होती है, या फिर ड्राइवर ड्राइव करता तो उसके रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे कि जो ड्राइवर होता है वो ये सोचता है कि जो हमारा जो हम कि वो व्हीकल को वहीं चलाना चाहता है जो हमारा सरफेस जो है वो जो थोड़ी सी स्मूथ सरफेस होती है, ठीक है। तो
तो शोल्डर जो है एक तरीके से इमरजेंसी लेन होता है, जैसे लाइक अगर हम ओवरटेकिंग कर रहे हैं तो ओवरटेकिंग में शोल्डर को यूज़ करें, या फिर व्हीकल पार्क करने के लिए यूज़ करें, या फिर व्हीकल अगर हमारी ख़राब हो जाती है तो उसको बाई साइड कर सकते हैं, तो शोल्डर का यूज़ हम इसलिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो हमारा राइट ऑफ वे। ठीक है, तो राइट ऑफ वे क्या होता है? तो सबसे पहले तो देखिए, ये जो राइट ऑफ वे है ये वो एक्वायर्ड एरिया है। ठीक है, जो हम रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके अलोंग में हम लोग जो वे प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? राइट ऑफ वे। ठीक है, ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारा, वो है हमारा साइड डिस्टेंस। ये हमारा क्रॉस सेक्शनल वाला जो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स जो थे वो ख़त्म हो गए हैं, और अब जो है हम पढ़ेंगे साइड डिस्टेंसेस के बारे में कि व्हाट इज साइड डिस्टेंस एंड क्या इफ़ेक्ट होता है हमारा साइड डिस्टेंस का, क्या यूजेस होते हैं उसके। ठीक है, और कैसे हम साइड डिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं या फिर डिज़ाइन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरुआत करते हैं साइड डिस्टेंस से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम साइड डिस्टेंस से। तो सबसे पहले हम साइड डिस्टेंसेस में वैसे तो हम टोटल तीन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस SSD, सेकंड पढ़ेंगे हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस OSD, एंड थर्ड पढ़ेंगे हम ISD इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। ठीक है, हमें टोटल तीन तरीके के साइड डिस्टेंसेस को पढ़ने हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे SSD से कि SSD क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, तो इसके बारे में पहले एक थोड़ा सा एक ब्रीफली एक अपने लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है हमारा, जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी रोड पे सपोज़ हम ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा रोड है, रोडवे है। ठीक है, और जब हम हमारी व्हीकल सपोज़ यहाँ पर है, इसको हम बोलते हैं पोजीशन ए। मान लीजिए कि ये पोजीशन ए है, और यहाँ पर क्या है कि हमें एक ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। तो होता क्या है कि जब ड्राइवर जो है वो ड्राइव करके अपने पाथ पे चल रहा होता है, तो वो सामने जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको एक ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई देता है, तो ऐसे में उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो क्या चाहता है कि उसका जो व्हीकल है वो मतलब बिना कोलिजन हुए ही पहले स्टॉप हो जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम रोडवे पे जा रहे हैं और अगर हमने सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन देखा, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन देखते ही हमारे मन में इस तरीके की चीज़ें आने लगती हैं कि एक तो वो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो वो हमारा मूविंग ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर वो हमारा स्टेशनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। अब स्टेशनरी ऑब्स्ट्रक्शन में लाइक जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्टेशनरी ऑब्स्ट्रक्शन जो मूवेबल ना हो, वो रोड के बीचों बीच में है, और जब हम वहाँ पे जब उस रोडवे से हम जा रहे होते हैं तो जैसे ही हम उस ऑब्स्ट्रक्शन को देखते हैं तो हमारे माइंड में इस तरीके की फीलिंग आती है कि क्या हमको अपनी व्हीकल जो है वो स्टॉप करनी चाहिए, या फिर हमको अपनी स्पीड कम कर देनी चाहिए। तो अब जैसे मान लीजिए हमें ये है कि उस ऑब्स्ट्रक्शन को देखते ही हमको ये लग रहा है कि हमें उस व्हीकल को रोकना, अपने व्हीकल को रोकना है। तो कोलिजन्स हम ये थोड़ी चाहते हैं कि हमारा व्हीकल जो है वो जाके से टकरा जाए, हम चाहते हैं कि कोलिजन से पहले ही वो जाके स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो जिस भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हमको ये चीज़ फील होती है कि हमें अपने व्हीकल को स्टॉप करना है, ठीक है, विदाउट कोलिजन, अपने व्हीकल को बिल्कुल सेफली स्टॉप करना है विदाउट कोलिजन, अब इसके लिए भी हमको एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस चाहिए ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हम जैसे ही अपने हम किसी ऑब्स्ट्रक्शन को देखे और तुरंत तो हमने ब्रेक अप्लाई किया और तुरंत हमारी गाड़ी जो है वो रुक गई। इस पूरे रिएक्शन में हमें कुछ टाइम लगता है। लाइक हम ये मान के चलते हैं कि हमारा रिएक्शन टाइम जो है वो 2.5 सेकंड है इन केस ऑफ SSD। ठीक है, तो हमें जो पॉइंट ऑफ टाइम चाहिए, रोकते रोकते भी हमारी गाड़ी जो है वो कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर जाती है। ठीक है, उसी इसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। यानी कि वो जो हमें मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, मिनिमम साइड डिस्टेंस चाहिए अपने व्हीकल को स्टॉप करने के लिए, वो डिस्टेंस क्या कहलाती है? हमारी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो इसको अगर हमें डिफाइन करना होगा तो हम कैसे करेंगे कि इट इज़ द लेंथ ऑफ रोड विच इज़ विजिबल अहेड टू द ड्राइवर फ्रॉम अ स्पेसिफाइड हाइट
अबव द कैरेज वे एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टू स्टॉप द व्हीकल सेफली विदाउट कोलिजन। ठीक है, मतलब कोलिजन से पहले ही अपने व्हीकल को सेफली उसे स्टॉप करना है विदाउट। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी मिनिमम जो हमारी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, SSD। SSD को ही एक और नाम बोलते हैं नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस, SSD भी बोलते हैं और उसको नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा और इसके बारे में जो है देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये रोड है और ये हमारी व्हीकल है और यहाँ पर एक ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर हमें व्हीकल को ये लगता है कि व्हीकल को हमें स्टॉप करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हम जिस भी मोमेंट ऑफ टाइम पर हमको ये चीज़ का एहसास हो रहा है, ये चीज़ फील हो रही है कि हमें अपने व्हीकल को स्टॉप करना चाहिए। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारी, और तब तक हम कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारी कहलाती है लैग डिस्टेंस। मतलब ये जो है हमने रिएक्शन में ही जो जितना टाइम लॉस कर दिया है, ठीक है, रिएक्ट करने में हमने जितना टाइम लॉस कर दिया है वो कहलाती है हमारी लैग डिस्टेंस। क्योंकि जब भी हम ऑब्स्ट्रक्शन को देखते हैं तो हमारे मन में जो भी हमारे मन में कई तरीके की बातें चलने लगती हैं कि हमें अपने व्हीकल को स्टॉप करना चाहिए, कि अपनी वेलोसिटी कम करनी चाहिए, कि बाई साइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन में हमने जो टाइम लॉस किया हुआ है, ठीक है, वो और उतने देर में हमारी व्हीकल जो है वो कुछ सर्टेन डिस्टेंस तक चली गई है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैग डिस्टेंस। ठीक, लैग डिस्टेंस। अब हुआ क्या कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके यहाँ पर जब हमारी व्हीकल पहुँची तो उस वक्त हमको ये लगने लगा कि हमारी व्हीकल को अभी जो है कुछ डिस्टेंस, अब हम यहाँ पे ये लग रहा है कि हमें यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करना चाहिए। तो ब्रेक अप्लाई करने से लेके फाइनल स्टॉप होने तक, यानी कि ब्रेक अप्लाई से लेके गाड़ी के रुकने तक के समय को, तब वो जो हमारा टाइम होगा उसमें वो भी एक सेकेंड का अगर समय होगा तो वो जो होगा हमारा कहलाएगा ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, वो कहलाएगा हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब फाइनली आपकी गाड़ी जो है वो यहाँ जाके स्टॉप हो गई, तो ये जो हमारी टोटल डिस्टेंस होगी, ये जो हमारी टोटल डिस्टेंस होगी, ये हमारी कहलाएगी SSD। अब देखिए, ये जो हमें SSD है, इस SSD को फॉलो करने में हमें कौन कौन से डिस्टेंसेज आ रहे हैं, लैग डिस्टेंस आ रही है और ब्रेकिंग डिस्टेंस आ रही है। लैग डिस्टेंस कौन से डिस्टेंस होगी, जब हम ऑब्स्ट्रक्शन को देखते हैं और रिएक्शन देने में हमें जितना टाइम लॉस होता है और उस दौरान हम जितनी भी दूरी तय कर लेते हैं उसको कहते हैं लैग डिस्टेंस। ब्रेक अप्लाई करने से लेके फाइनल रुकने तक का जो हमारा टाइम होता है, उस टाइम में जितना भी दूरी हमारी व्हीकल तय कर लेती है उसको बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, और SSD की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो SSD जो होगा हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस प्लस लैग डिस्टेंस। ठीक है, दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे तो हमको SSD की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर हमने SSD बराबर क्या ले लिया है, ब्रेकिंग डिस्टेंस प्लस लैग डिस्टेंस। अब बात आती है कि अब हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करें। तो सबसे पहले तो लैग डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद ब्रेकिंग डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो लैग डिस्टेंस को कैलकुलेट, भाई अगर दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। हमने सिंपली इसको ले लिया कि दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम। अब हमें ये देखना है कि उस वक्त लैग डिस्टेंस में जब हमारी व्हीकल की स्पीड जो थी उस समय कितनी थी। तो मान लीजिए आपका 40 KMPH, 60 KMPH, वॉट एवर विल बी द स्पीड, वो स्पीड लेंगे, लेकिन वो स्पीड हम लेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन टाइम है वो किस में है, सेकंड में है। ठीक है, और ये जो हमारी स्पीड होगी वो स्मॉल v से हम डिनोट करेंगे इसको, विच इज़ वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, एंड स्मॉल t इज़ व्हाट, स्मॉल t इज़ टोटल रिएक्शन टाइम इन सेकंड। ठीक है, और ये जो टोटल रिएक्शन टाइम होता है हमारा, ये हम लेते हैं 2.5 सेकंड इन केस ऑफ SSD। ये कांस्टेंट वैल्यू है, हमें 2.5 सेकंड ही टी की वैल्यू लेनी है SSD के केस में। ठीक है, और बी की जो वैल्यू होगी वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो लैग डिस्टेंस हमारा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि लैग डिस्टेंस जो है वो सिंपली वो दूरी तय की हुई वो दूरी है जब हमें ये चीज़ जो टोटल रिएक्शन टाइम के दौरान हमारी जितना भी व्हीकल दूरी तय कर लेती है वही हमारी डिस्टेंस लैग डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, तो लैग डिस्टेंस तो हमें बहुत ही ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा, थोड़ा सा मेहनत हमें ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए करना होगा, तो वो अभी हम देखते हैं कि हमें ब्रेकिंग डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें। लेकिन ब्रेकिंग डिस्टेंस को भी कैलकुलेट करने से पहले, ठीक है, हम एक चीज़ और देखेंगे। जैसे अभी हमने बात की थी टोटल रिएक्शन टाइम की, ठीक है,
तो अब हम ये बात करेंगे, जैसे हमने आपसे कहा था ना कि टोटल रिएक्शन, जो हमारा रिएक्शन टाइम होता है उस दौरान हमारा जो व्हीकल होता है वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है जो कि लैग डिस्टेंस कहलाता है। अब हम ये चीज़ देखेंगे कि ये जो हमारा टोटल रिएक्शन टाइम है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, आखिर वो टोटल रिएक्शन टाइम में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी टोटल रिएक्शन टाइम होती है इसमें हम एक थियोरी पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं PIEV थियोरी। ठीक है, PIEV थियोरी। ठीक है, तो व्हाट इज़ PIEV थियोरी? तो इसमें वन बाय वन एक एक टर्म को पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल, पी इज़ परसेप्शन टाइम। ठीक है, परसेप्शन टाइम। अ परसेप्शन टाइम का मतलब क्या? टू परसीव एनी ऑब्जेक्ट। जैसे क्या होता है कि जब हम व्हीकल से जा रहे होते हैं, ठीक है, और जिस भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमने उस ऑब्स्ट्रक्शन को देखा, परसीव किया, उसका अनुमान लगाया, या फिर हमने उसको परसेप्शन आप जो बोल सकते हैं, वही टाइम हमारा क्या होता है? परसेप्शन टाइम। मतलब जो सबसे पहला इनिशियल हमारा जो समय होता है ऑब्स्ट्रक्शन को देखने पे, जो हम एक अनुमान लगाते हैं, वो हमारा कहलाता है परसेप्शन टाइम। ओके, देन व्हाट इज़ ई आई सॉरी व्हाट इज़ आई? आई इज़ इंटेलेक्चुअल टाइम। तो इंटेलेक्चुअल टाइम क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि जब हम ऑब्जेक्ट को देखा है हमने, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाया? परसेप्शन टाइम। देखा और एक गैस किया, एक सिचुएशन को हमने गैस किया, एक अनुमान लगाया कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मतलब क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद से जब हमने देखा जिस भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, उसके बाद से हमारा जो आई स्टैंड फॉर इंटेलेक्चुअल टाइम। इंटेलेक्चुअल टाइम मतलब हमने सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो उस दौरान हमारा जो भी टाइम लॉस हुआ वो हमारा कहलाता है इंटेलेक्चुअल टाइम। ठीक है, मतलब हमने जो भी हमारे मन में डिसीजन चल रहा है, या जो भी हमारे मन में ऑब्स्ट्रक्शन को देख के, जो भी हम अपना एक एनालिटिकल सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जो भी उस दौरान हमारा टाइम लॉस होता है उसको हम बोलते हैं क्या? इंटेलेक्चुअल टाइम। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज़ वॉट? थर्ड इज़ ई, विच स्टैंड्स फॉर इमोशन टाइम। अब देखो, इमोशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हमने पहले तो ऑब्जेक्ट को देखा, फिर हमने उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में जो टाइम लॉस किया, ये तो हो गया हमारा। अब इसके बाद आता है इमोशन टाइम। इमोशन टाइम का मतलब ये होता है कि जितना भी हमने टाइम लॉस किया है, जो भी हमारा टाइम लॉस हुआ है फियर या एंगर में। अब जैसे मान लीजिए हमने सिचुएशन को देखा और फिर हमें ऐसा लगता है कि अरे हमारी हमारी व्हीकल तो अब हम जो है कोलिजन हो जाएगा, तो इस दौरान कोई फियर किसी तरीके की आपके मन में जो फीलिंग है, मतलब जो इमोशन आ रहा है, लाइक फियर आ रहा है या फिर एंगर की सिचुएशन आ रही है, वो कहलाती है हमारी इमोशन टाइम। ठीक है, और लास्ट में जो वी होता है, वी को हम कहते हैं वॉलिशन टाइम। वॉलिशन टाइम का मतलब ये हुआ कि जो भी हम फाइनल एक्शन लेने में जितना भी समय ले रहे हैं, जैसे अब हमने पहले तो ऑब्जेक्ट को देखा, फिर सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया, फिर उसके बाद से हमें मतलब ये अभी हमको लगता है कि हमारा कोलिजन, तो हमारे मन में तरीके तरीके की फीलिंग आती है, लाइक फियर आ रहा है, एंगर आ रहा है, ठीक है, तो एनजाइटी है, तो ये सब जो है हमारा इमोशन। और फिर हमने मतलब इसमें ये सब करने में जितना भी हमारा टाइम लॉस हुआ, तो फाइनल एक्शन जब हम लेते हैं उसको बोलते हैं क्या? वॉलिशन टाइम। तो जो हमारा टाइम टेकन फॉर द फाइनल एक्शन जो भी होता है वो हमारे कहलाती है वॉल्यूशन टाइम। तो ये जो थियरी है हमारी, टोटल रिएक्शन टाइम जो है वो PIEV थियरी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ओके, ठीक है, तो फॉर टुडेज लेक्चर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में यही देखते हैं। अभी आगे इसके बारे में हम लोग जो है अनदर, अभी इसमें बचा हुआ है हमारा लैग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस को अभी हम निकालेंगे, और फाइनल हम इसमें वैल्यू निकालेंगे कि क्या हमारा फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, देन आफ्टर हम इसके बारे में न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, सो आई होप कि अंडरस्टैंड तो हो गया ही हो गया आपको, बट फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।